अमेरिका और नेटो भी परमाणु जंग की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन के वॉर प्लान को डिकोड करने वाले रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन जंग अब एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर है जहां से कुछ भी संभव। जी हां, जहां से दुनिया में तबाही के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन मिशन कयामत से कयामत तक इससे पहले ही लिख चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यूक्रेन पर सीधा परमाणु हमला नहीं करेगा, बल्कि अपने इस प्लान को अमल में लाने के लिए बेलारूस का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी बार बार उनके देश पर यूक्रेन के हमले के खतरे की बात कर रहे हैं। लिहाजा बेलारूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की जमीन तैयार कर रहा है। इसके अलावा फिनलैंड और नॉर्वे की सरहद पर रूस के TU-160 और TU-95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की तैनाती भी पुतिन के मिशन कयामत का एक हिस्सा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर भी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा कि वो बाइडेन से बात करने की इच्छुक नहीं है, लेकिन बाइडेन अगर चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। इसके साथ ही पुतिन ने यह भी कहा है कि अभी फिलहाल उन्होंने G20 सदस्य देशों में से किसी से बात नहीं की है। आपको बता दें कि नवंबर में G20 समिट होने जा रहा है, जिसमें बाइडेन और पुतिन का आमना सामना हो सकता है। Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет. Окончательно не решен еще вопрос о моей поездке туда. Ну, Россия наверняка будет принимать участие в этой работе. रक्षा विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त जो भी बयान दे रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि उनके बयानों में ही उनके मिशन की सारी डिटेल छिपी है। राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर जंग रोकने और सरेंडर करने का दबाव बना रहे हैं, और अगर ये जंग लंबी खींची तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल परमाणु बमों के जरिए हमला भी कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन का ये भी कहना है कि यूक्रेन को नष्ट करना रूस का मकसद नहीं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के अगले बयान को सुनने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि पुतिन कैसे नेटो में दरार डालने का काम भी कर रहे हैं। Мы же знаем и позицию Киева. Они все время говорили о том, что они хотят переговоров и вроде как просили об этом, а теперь приняли решение официальное, которое запрещает вести эти переговоры. Ну, о чем же можно здесь говорить? Конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора. Мы всегда говорили, что открыт. Мы даже ведь в Стамбуле достигли определенных договоренностей. Эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Все, как только войска от Киева отошли. दरअसल अपने इस बयान के जरिए राष्ट्रपति पुतिन नेटो और यूरोप के उन देशों से रूस के साथ खड़ा होने की अपील कर रहे हैं जो 90 के दशक में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। और वॉर जोन से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो रूस को इसका अंजाम भुगतना होगा, और ऐसी सूरत हाल में ये तय है कि यूरोप में महाविनाश का महासंग्राम शुरू हो जाए। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन फिलहाल इस जंग को नहीं रोकने वाले हैं, और वो यूक्रेन को सरेंडर करवाने के लिए उस पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, और टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए उनके पास एक नहीं बल्कि कई विकल्प खुले हैं। यूक्रेन से महज 22 मील दूर बेलगोरोद में रूस का एक बड़ा परमाणु अड्डा है। बेलगोरोद से रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के जरिए उसको निशाना बना सकता है। काला सागर में यूक्रेन के पास छोटा न्यूक्लियर टेस्ट कर उसके इलाकों में रेडिएशन फैला सकता है। खार्कीव में टैक्टिकल परमाणु हमला कर यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की पर जानलेवा हमला भी किया जा सकता है।
ललीव को निशाना बनाकर जेलेंस्की को जंग में सरेंडर करने के लिए दबाव डाला जा सकता है। रूस पोलैंड में लुबलिन शहर पर भी हमला कर सकता है। लुबलिन से यूक्रेन तक मदद पहुंचाने वाली सप्लाई लाइन शुरू होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साफ कर चुके हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो रूस को इसका अंजाम भुगतना होगा, और ऐसे सूरत हाल में ये तय है कि यूरोप में महाविनाश का महासंग्राम शुरू हो जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि अगर उन्होंने यूक्रेन पर रूस की जमीन से परमाणु हमला किया तो रूस अमेरिका और नेटो के निशाने पर होगा, लिहाजा वो इस हालात से बचने के लिए यूक्रेन पर हमला करने के लिए बेलारूस का सहारा लेना चाहते हैं। इसके अलावा बेलारूस अपने सहयोगी देश रूस को अपने देश में सैन्य बेस बनाने के लिए जमीन देने वाला है। दरअसल बेलारूस और यूक्रेन के बीच 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद है, और बेलारूस में रूसी सैन्य ठिकानों का एक बहुत बड़ा मतलब निकलता है। रूस ने युद्ध की शुरुआत सबसे पहले यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर हमला कर की थी, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब रूस यूक्रेन को घेरने के इरादे से पश्चिमी यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि अगर बेलारूस में रूस अपना सैन्य बेस बनाता है तो इसका क्या मतलब निकलता है। दरअसल बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से यूक्रेन की राजधानी कीव के बीच की दूरी 528 किलोमीटर है, जबकि बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी महज 150 किलोमीटर के आसपास है, जिसका मतलब यह हुआ कि रूस के लिए पश्चिमी यूक्रेन पर हमला करना बेहद आसान हो जाएगा। इस प्लान की वजह से यूक्रेन के लुत्स, रिवने, जतोमर, कीव, चर्निहाइव जैसे 5 अहम इलाके पुतिन की वॉर मशीनरी की जद में आ जाएंगे, और इसी रास्ते के जरिए रूसी सेना कीव तक भी पहुंच सकती है। नेटो की सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर बेलारूस इस जंग में शामिल हुआ तो संगठन के सदस्य देशों तक इसकी आंच आएगी। ऐसे में नेटो शांत नहीं बैठ सकता और उसे भी इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। दरअसल 17 अक्टूबर से नेटो एक बड़ा युद्धाभ्यास भी शुरू करने जा रहा है। नेटो की इस एक्सरसाइज में एटमी हमला करने वाले जंगी जहाज भी शामिल होंगे, यानी नेटो अपने इस युद्धाभ्यास के जरिए राष्ट्रपति पुतिन को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहता है, यानी दुनिया वाकई कयामत की जंग की कगार पर खड़ी है।